हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेदू वड़ा की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और मज़े की बात यह है गाइस कि मैं इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं डालूँगी और सिर्फ बिना सोडा डाले ही मैं इसे इतना अच्छा फ्लफी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने उड़द दाल ले लिया है, इसे मैंने रात भर भिगो लिया था और अच्छे से धुल लिया है, और अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया नमक और हींग, और इसमें पानी नहीं डालूंगी, नमक के सहारा से ये बहुत अच्छे से पिस जाएगा। तो देखिए ये कितना अच्छे से पिस गया है, मैंने इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं डाला है। तो अब इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में और इसे हम लगभग 15 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फ्लफी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप सोडा डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें मिक्स करूँगी बारीक कटे हुए नारियल, एकदम बारीक कटा हुआ अदरक, धनिया के पत्ते, प्याज और हरी मिर्च, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इससे हमारा जो मेदू बड़ा है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा गाइस, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, फेंट लूंगी, और नमक इसमें हमने पहले ही डाल रखा था तो अब मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी राई और कड़ी पत्ता का तड़का। मैंने हींग भी डाल दिया है और पहले भी मैंने हींग डाला था जब मैं पीस रही थी इसे। हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उड़द दाल के लिए। और अब हम इसका वड़ा बनाएंगे, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, और मैं इसे बीच में जो छेद होता है ना वैसा उसका एकदम पारंपरिक तरीका का वड़ा मैं बनाऊँगी। इस तरह से बीच में छेद कर दूँगी और मैं फिर से मीडियम फ्लेम में फ्राई कर दूंगी। तो फ्राई डालते हुए मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया था, किसी कारण कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैंने इसे डाल दिया है तेल में। तेल मेरा एकदम मीडियम गर्म था, ज़्यादा तेज करके मैंने इसे हल्का ठंडा कर लिया था ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो देखिए बड़ा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसे हम सर्व करते हैं ज़्यादातर चटनी के साथ और सांभर के साथ, तो मैंने सांभर पहले से बना लिया था और किसी दिन मैं आपको सांभर की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए कितना अच्छा ये अंदर तक पक गया है और फ्लफी भी हुआ है बिना सोडा का, और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और सर्व कर लेते हैं हम अपने वड़े को। तो डालते हैं सांभर और ऊपर से डालेंगे वड़े को। मुझे तो वड़ा ऐसे ही पसंद है, एकदम डिप किया हुआ, डूबा हुआ। तो तैयार है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।